स्वागत है आपका क्लब स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, जो कि बीए प्रोग्राम का एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, हिंदी में शिक्षा की मूलभूत संकल्पना और विचार, इसकी यूनिट वन है जिसका चैप्टर थ्री है। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस करेंगे। और चैप्टर वन और चैप्टर टू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है शिक्षा का जो ज्ञान मीमांसी आधार है, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एकलव्य स्नातक वन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर न्यू चैनल फैक्ट्स विद भारत, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो ज्ञान क्या है। ठीक है, तो ज्ञान को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है आंकड़े की, दूसरी सूचना की, फिर जाके हम ज्ञान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़े कुछ प्रतीक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं, जो आपका नाम होता है वो भी एक आंकड़े, मतलब एक डाटा होता है। ठीक है, ऐसे ही जो कई सारी चीज़ें होती है उसको हम लेते हैं, वो भी एक एक तरह का डाटा होता है। ठीक है, किसी भी कोई स्मारक होती है उसका नाम हो गया, आपका नाम हो गया। ठीक है, कोई एनिमल होता है उसका नाम होता है। तो सबका नाम अगर हमारे पास आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास डाटा। ठीक है, तो जो कि एक सिंबल्स या फिर प्रतीक होते हैं। फिर सूचना क्या होती है, क्या, कब, कहाँ, किसे, ये जो जितने भी इनसे प्रश्न शुरू होते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद जो परिणाम मिलता है ना, वो होती है सूचना। जैसे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किसे हुआ, कौन कौन इससे प्रभावित हुआ, तो उससे जो हमें उत्तर मिला है ना, ठीक है, उसके बाद में हमें जो परिणाम मिला है वो होती है सूचना। ठीक है, फिर सूचना के बाद में जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ज्ञान का, जब कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए उत्तर प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है ज्ञान। अब कैसे हुआ, तो कैसे में हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, कहाँ हुआ, कौन कौन से इफेक्ट हुआ, इन सब का हम यूज़ करके कैसे वाले जो प्रश्न होते हैं ना, उसका हम उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम आंकड़ों का कुछ प्रतीक का या फिर जो सूचना होती है उसका उपयोग करते हैं, तब जाके हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, सूचना से अर्थ जोड़कर ही ज्ञान का निर्माण संभव होता है। ठीक है, यानी कि जो सूचना होती है हम उसमें कुछ अर्थ जोड़ते हैं, तब हमें ज्ञान का, तो जो हमें ज्ञान का निर्माण होता है तभी संभव हो पाता है। ज्ञान एक प्रकार की सूचना होती है जो एकीकृत होकर ज्ञान बनती है। ठीक है, यानी कि ज्ञान एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो असेंबल की जाती है यानी कि इंटीग्रेट होती है आपस में, तब जाकर वो ज्ञान बनती है। ठीक है, फिर अगर हम ज्ञान के निर्माण के चरणों की बात करें तो तीन चरणों में होता है। ठीक है, पहला तो होता है विश्वास। विश्वास यानी कि सबसे पहले हमें उसके ऊपर ट्रस्ट बनाना पड़ता है, फेथ करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी होती है तथ्य और तीसरी होती है सत्यता। अब विश्वास क्या होता है, अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसमें ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, उन फैक्ट्स की फिर हमें जांच करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये सत्य है या नहीं है। ठीक है, अगर वो सत्य होगा तो वो हमारा हमारे लिए ज्ञान हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो हम उसको एक पॉजिटिव नॉलेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है हमें उसमें सबसे पहले विश्वास रखना पड़ेगा, दूसरा होता है हमें उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं ना उन सबको जानना पड़ेगा, और तथ्य जानने के बाद में जो फैक्ट्स हमने जाने थे क्या वो रियल हैं। ठीक है, उनको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या वो ऑथेंटिकेटेड हैं। ठीक है, अगर वो गलत हैं तो वो हमारे लिए एक नॉलेज की तरह काम नहीं करेंगे, अगर वो ऑथेंटिकेट हैं, अच्छे हैं, सोर्स उनका अच्छा है, ठीक है, वो वेरीफाई अच्छे से हो गए हैं तो वो एक ज्ञान के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं ज्ञान के निर्माण के लिए, यानी कि जब हम नॉलेज को बिल्डअप करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ये तीन बेसिकली स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा जो ट्रस्ट होता है वो, ठीक है, पहले ट्रस्ट, फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसके बाद वेरीफिकेशन होता है। ठीक है, फिर ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये मेरे को लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक क्षेत्र है जो मानवीय ज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है,
यानी कि ज्ञान मीमांसा जो हमारी फिलॉसफी होती है उसकी एक फील्ड होती है, ठीक है, जो कि मानव विज्ञान यानी कि मानव से संबंधित, मानव ने जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उससे संबंधित होती है ज्ञान मीमांसा, ठीक है। दार्शनिक जांच पड़ताल का वह क्षेत्र जो मानव की, जो ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, वैधता, ज्ञान की विधियों एवं सीमाओं की खोज करता है, ठीक है। यानी कि ये जो ज्ञान मीमांसा है वो जांच पड़ताल करने का एक क्षेत्र है जो ज्ञान की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो वैलिड है, नहीं है, किन किन विधियों से ज्ञान की प्राप्ति की गई है, उस ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी क्या क्या सीमाएँ, क्या लिमिटेशंस हैं, इनकी खोज करता है, ठीक है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान और अध्ययन कर सत्य की खोज करना चाहता है, ठीक है। और इसका जो मूल विषय है वो है अंतिम जो ज्ञान होता है, इसको काट के ज्ञान कर लेना, ठीक है, अंतिम ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। अब जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अलग अलग पहलू होते हैं, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, उससे किसका भला होगा, उसके संबंध में जितने भी अनुसंधान या फिर जो रिसर्च वगैरह का काम होता है वो सारा का सारा ज्ञान मीमांसा के अंदर आ जाता है। जो भी हमें स्टडी करनी होती है वो आ जाती है, उसकी हम सत्य की खोज करना चाहते हैं ज्ञान मीमांसा के अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ज्ञान मीमांसा एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पे हम जो ज्ञान होता है उसमें अनुसंधान, उसका अध्ययन करके उसकी सत्यता की खोज करना चाहते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। और इसका जो मूल विषय है वो है कि जो अंतिम ज्ञान होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब जो ज्ञान मीमांसा है उसको हम इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेम यानी कि ज्ञान और लॉजोस होता है विज्ञान, यानी कि ज्ञान का जो विज्ञान होता है वही हमारा एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है, यानी कि ज्ञान मीमांसा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो ज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित बेसिकली तीन सिद्धांत हैं, एक होता है बुद्धिवाद, दूसरा है अनुभववाद और तीसरा है आलोचनावाद। एक एक को डिस्कस करते हैं अच्छे से, फिर बात करते हैं बुद्धिवाद की। तो इसके अनुसार बुद्धि ही ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन होता है, ठीक है, यानी कि बुद्धि ही एक ऐसा साधन है जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी से यथार्थ या फिर जो वास्तविक ज्ञान होता है उसकी उत्पत्ति होती है। इसके अनुसार जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला तो होता है दार्शनिक ज्ञान, यानी कि जो हमें फिलोसफिकल थाट से जो फिलोसफिकल नॉलेज होती है वो होता है हमारा पहला ज्ञान। और ये इनके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो दार्शनिक ज्ञान होता है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो बुद्धि के द्वारा होती है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है सामान्य ज्ञान, यानी कि जो नॉर्मल नॉलेज होती है वो इंद्रियजनित होती है, यानी कि सेंसेस ऑर्गेनेटेड होती है, ठीक है, जो हमारी जो 5 senses होती हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त की जाती है और वो सदैव नहीं रहती है, ठीक है। यानी कि जो फिलोसफिकल ज्ञान होता है वो बुद्धि द्वारा होता है जो हमेशा परमानेंट रहता है, और जो हमारा सामान्य ज्ञान होता है वो इंद्रजनित होता है और वो सदैव सत्य नहीं रहता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो, उसका वेट, उसकी हाइट जो होती है वो कम होती है उस टाइम पे, ठीक है, तो फिर कुछ टाइम के बाद आप उसको देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चेंजेस के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जब वो छोटा था तो आपने उससे नॉलेज ली, आपने उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका जो अपीयरेंस है उससे नॉलेज ली, आपने अपनी सेंसेस का यूज़ किया, ठीक है, आपने वहाँ पे अपनी जो आईज होती थी उनका यूज़ किया, अपनी आँखों का इस्तेमाल करके उसकी जो सेंसेस, अपनी जो सेंसेस का यूज़ करके आपने उससे नॉलेज ली। लेकिन जब आपने कुछ टाइम के बाद उसको देखा तो उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, ठीक है, तो आपकी वो नॉलेज थी वो बदल गई। तो इसलिए जो हमारा जो सेंसेस जितनी भी ऑरिजिनेटेड नॉलेज होती है वो सदैव नहीं रहती, यानी कि वो टेम्परेरी होती है। और जो बुद्धि होती है, ठीक है, उसमें ज्ञान अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है, यानी कि ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि में हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, वो जन्मजात होती है, सभी मनुष्यों में बराबर होती है, ठीक है। फिर आता है अनुभववाद, ठीक है, अनुभववाद जो था जॉन लॉक का था, ठीक है, जॉन लॉक ने इसको, इसके प्रतिपादक थे, ने अपने लिए एक नया मार्ग चुना जिसे अनुभववाद कहा जाता है, ठीक है। अब अनुभव के आधार पर ही बालक के मस्तिष्क में ज्ञान अंकित होता है, बच्चे के जिस जिस तरह से एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, उसी के आधार पर उसके मस्तिष्क में ज्ञान का अर्जन होगा, ठीक है। बालक के पास अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसका जो ज्ञान होगा वो भी पॉजिटिव होगा, अगर उसके पास कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो उसका जो ज्ञान होगा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। और इसमें जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसमें बुद्धि का उपयोग ना के बराबर होता है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमारी सेंसेस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं और यहाँ पर बुद्धि का उपयोग काफ़ी कम होता है, ठीक है। फिर तीसरे आते हैं हमारे जो कांट है,
ठीक है, कांट ने बोला था कि जो आलोचनावाद होता है उससे बच्चे की जो ज्ञान अर्जन की क्षमता होती है उससे ही वो ज्ञान अर्जन करता अपना। तो इन्होंने कहा था कि जो बुद्धिवाद और अनुभववाद है ना, इसकी इन्होंने आलोचना की और इसे अपूर्ण बताया था। ठीक है, क्यों कहा था कि जो ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और जब वो एक्सपीरियंस को एक बुद्धि के द्वारा उसमें अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, उसमें तर्क वितर्क कुछ कुतर्क करेगा, तभी वो ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तो इन्होंने ये कहा था कि जो बुद्धि होती है एक कारखाना होता है जहाँ अनुभव अर्जित होते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से जो अनुभव होते हैं उनको अर्जित किया जाता है। और उन्होंने ये बोला था कि जो इंद्रियां होती है वो निष्क्रिय रूप से जो हमारी सेंसेस होती हैं उनको ग्रहण करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये बोला था आलोचनावाद में कांट ने। फिर जो ज्ञान होता है उसके कई सोर्सेज होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अंतर्बुद्धि यानी कि जो हमारे अंदर की इंट्यूशंस होती हैं, हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब हमारे अंदर जो इंट्यूशंस उठ के आते हैं वो किस तरह से आते हैं कि आपने किसी भी चीज़ को देखा, आपने उसमें बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने उसमें कुछ तर्क कुछ वितर्क करे, ठीक है, लॉजिकल। ठीक है, जो दूसरा ज्ञान होता है वो लॉजिकल वाला होता है। तो ये जो दोनों होते हैं ना वो आपस में इंटरलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे कुछ तर्क वितर्क करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ ज्ञान का अर्जन किया। ठीक है, आपने कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल किया वहाँ पे, कुछ रीजंस को वहाँ पे लेके आए। ठीक है, ये किस तरह से हुआ उसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है अंतर्बुद्धि और तर्क द्वारा ज्ञान। फिर आता है आस्था के द्वारा ज्ञान। आस्था यानी कि किसी के प्रति आस्था हो सकती है, भगवान के प्रति आस्था हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति आस्था हो सकती है, उससे जो हमें ज्ञान मिलता है तो वो होता है हमारा आस्था के द्वारा ज्ञान। या फिर हम ये इसको ऐसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जो भगवान की जितनी पौराणिक कथाएं होती हैं, ठीक है, कुछ कथाएं सत्य होती हैं कुछ असत्य होती हैं। ठीक है, कुछ जो साधु संत होते हैं वो अपने मन से अपनी आस्था से उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी रचना करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो हो गया एक एग्जाम्पल आस्था के द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो हमें प्रकट होते हैं। अब प्रकट होने का जो ज्ञान होता है वो कैसे मिल सकता है हमें? हम जब सपना देखते हैं तो उसमें हमें कुछ नॉलेज मिलती है, तो प्रकट के द्वारा वो नॉलेज हमें प्रकट हुई होती है, तभी हमने उस नॉलेज को ले पाए हैं। ठीक है, फिर आता है अनुभव के द्वारा, यानी कि जिस जिस तरह से हम एक्सपीरियंसेस हमारे पास आते जाएंगे उस तरह से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अगर आप देखोगे जो छोटा बच्चा होता है उसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो इतना सोशलाइज नहीं है, लेकिन एक जो 60 साल का वृद्ध व्यक्ति होता है उसके पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है। छोटे बच्चे के पास अनुभव कम होता है, एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, इसलिए उसके पास कम नॉलेज होती है। ठीक है, तो अनुभव के द्वारा भी ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, ये उसका स्रोत होता है, एक सोर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।